Hello students, today I will continue with the third lecture on the matrices. That is we will do today, symmetric and pseudo-symmetric matrices. Last lecture mein humne padha tha, transpose of a matrix aur uski fir kuch properties padhi thi. Usi par aaj main continue karunga, third lecture. 3.2 लेक्चर 3.2 जिसमें आप आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिसेस. क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर ए ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा देन इट इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अनचेंज्ड रहता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. नंबर वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी. स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी एन क्रॉस एन इज सेड टू बी asymmetric matrix. Asymmetric matrix if A transpose is equal to A. Transpose आपको already पता है. Transpose में आप क्या करते हैं, which interchange rows and columns. Rows और columns को interchange करते हैं. तो इसमें क्या होता है, that is Aij is equal to aji for all i comma j. मैं एक एग्जाम्पल से आपको देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं लेता हूं. फॉर लेट ए बी द मैट्रिक्स 1 2 3 2 माइनस वन जीरो थ्री जीरो फोर. ये मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है. अब इसमें अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, देयरफॉर ए ट्रांसपोज, क्या हम करते हैं, रो को बनाते हैं कॉलम्स और कॉलम्स को रो. जैसे इसका फर्स्ट रो क्या है, 1 2 3, इसको बनाएंगे फर्स्ट कॉलम 1 2 3. ये फर्स्ट रो, इसको बनाएंगे फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो क्या है, 2 -1 0, इसको बनाएंगे सेकंड कॉलम 2 -1 0. सेकंड रो है 2 -1 0, इसको बनाएगा सेकंड कॉलम 2 -1 0. अब थर्ड रो 3 0 4, को बनाएंगे थर्ड कॉलम 3 0 4. ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है. फर्स्ट रो बनाया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम. अब आप देखो ये दोबारा वही रहा. देखो फर्स्ट रो है 1 2 3, इसका फर्स्ट रो भी 1 2 3, सेकंड रो 2 -1 0 2 -1 0 3 0 4 3 0 4, और ये दोबारा ए के बराबर आ गया. तो ये दोबारा ए के बराबर है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक. सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Symmetric matrix. तो क्या होता है symmetric matrix? ये square matrix होती है, और इसमें जो है A transpose दोबारा A के बराबर आएगा, या transpose करके ये unchanged रहती है, जैसे थी वैसे दोबारा रह गई. तो ऐसे matrix को हम बोलते हैं symmetric matrix. अब इसमें लिखा था मैंने Aij is equal to Aji. जैसे यहां पर ये देखो, इसमें ये वाला कौन सा एलिमेंट है,
A12 है और ये कौन सा है A21, A12 इज कॉल्ड A21। ये एलिमेंट मैं लेता हूं, व्हाट इज दिस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये इसके बराबर है, ये कौन सा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A12 इज कॉल्ड A21, A13 इज कॉल्ड A31, जैसे ये जीरो है, ये कौन सा है सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, और ये इसके बराबर है, ये कौन सा कॉलम है थर्ड रो सेकंड कॉलम, यही होता है AIJ इज कॉल्ड AJI, A12 इज कॉल्ड A21, A13 इज कॉल्ड A31, A23 इज कॉल्ड A32, दैट इज व्हाई वी राइट AIJ इज कॉल्ड टू AJI। तो सो व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज A के बराबर आता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें AIJ AJI के बराबर होता है, जैसे मैंने यहां कहा। क्लियर? एग्जाम्पल देनी इसकी इजी होती है, जैसे मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल P, अगर आपको कोई एग्जाम्पल देनी हो ऑफ ऑर्डर 4, बताओ कोई भी रो, कोई भी रो, फॉर एग्जाम्पल -1, 2, 3, 7, हमें बनानी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, -1, 2, 3, 7, अब यहां से मैं यही लिखूंगा -1, 2, 3, 7, हो गए यहां। फिर और तीन एलिमेंट्स बताओ, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 8, 5, 6, 8, यहां से भी मैं लिखूंगा 5, 6, 8, यहां से फिर बताओ 0, -1, 0, -1, यहां पर कुछ भी लिखो, अनदर फॉर एग्जाम्पल 9, ये मैट्रिक्स, अगर आप देखोगे इसमें P ट्रांसपोज करोगे फिर यही आएगा। याद रखा क्या कर रहा होता है, पहले लिखा -1, 2, 3, 7, फिर यहां से -1, 2, 3, 7, फिर 5, 6, 8, यहां से 5, 6, 8, फिर 0, -1, 0, -1, फिर और कोई, अगर आप देखोगे ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के जो आर पार एलिमेंट्स होते हैं विच आर सिमेट्रिक, देखो 2, 2, 3, 3, 6, 6, 8, 8, -1, -1, 7, 7, इसमें ऐसा होता है, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 2 इज सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस E, यानी A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सीक्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस E, A स्क्वायर मैट्रिक्स A विच इज इक्वल टू AIJ N cross N is sequiosymmetric, is sequiosymmetric if A transpose is equal to minus E. That is, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, AIJ is equal to minus AJI or all I comma J. Symmetric में था A transpose is equal to A. Sequiosymmetric में क्या होता है, A transpose is equal to minus A. A square matrix A is said to be sequiosymmetric, A transpose is equal to minus A. That's AIJ is equal to minus AJ. For example मैं यहां देता हूं. Let me take an example. A is equal to OE matrix 0, 2, minus 3. -2, 0, 4. 3, -4, 0. A matrix A. A matrix E.
अब मैं इसका ए ट्रांसपोज बनाता हूं, ए ट्रांसपोज इसका क्या बनेगा, फर्स्ट रो क्या है, 0 2 -3, 0 2 -3, सेकंड रो क्या है, -2 0 4, -2 0 4, फिर क्या है थर्ड, 3 -4 0, इसका ट्रांसपोज किया, रोज को बनाया कॉलम्स, कॉलम्स को रोज। अब इसमें मैं क्या करता हूं, आई विल टेक माइनस कॉमन, जब कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से माइनस लेना है, दिस एम्प्लॉयज ए ट्रांसपोज टेक माइनस कॉमन, जब माइनस लेंगे कॉमन ये तो जीरो ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये -3 बनेगा, ये बनेगा -2, ये बनेगा 0, ये 4, ये क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां रहेगा 3, यहां आएगा -4, यहां आएगा 0। अब आप देखो जो ये माइनस के बगैर मैट्रिक्स रही है, दोबारा ये बन गया 0 2 -3, 0 2 -3, सेकंड रो -2 0 4, -2 0 4 एंड 3 -4 0, 3 -4, यानी ये दोबारा ए के बराबर और माइनस है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, सो ए इज सिक्योसिमेट्रिक, यानी सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड सिक्योसिमेट्रिक। इसमें जो मैंने यहां कहा था ए आई जी, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सा है, A12, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये है A21, ये है 2, ये है -2, तो A12 इज कॉल्ड -A21। ये वाला देखो फॉर एग्जांपल दिस इज ए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये क्या है, ये वाला एलिमेंट, ये है ए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये है 4, ये है -4, ये एक दूसरे के नेगेटिव होता है, वही होता है AIJ इज कॉल्ड -AJI, दिस इज कॉल्ड सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका भी एग्जाम्पल देना इजी है, जैसे मैं आपको बताता हूं और एक एग्जाम्पल, मतलब बी फॉर एग्जाम्पल कैसे देनी है, आप ऑर्डर 3 अगर मैं देता हूं, 0 से स्टार्ट करो। इसमें एक चीज जरूरी होता है, इसका हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, वो मैं अभी प्रूव करूंगा क्यों होता है, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स में हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ये याद रखना चाहिए, एंड आई विल प्रूव इट, अभी प्रूव करेंगे इसके बाद। चलो आप ऑर्डर 0 1 2 फॉर एग्जाम्पल आप कैसे बनाना है, आपको ये मैंने 0 1 2 लिया, 0 से स्टार्ट, या है ना 1 2, यहां से करना है -1 -2, यहां से लिखो कुछ 0 बैकग्राउंड में 0, यहां फिर चलो -4, ये 0 ये -4 है ये तो 4 आएगा, और यहां 0, ये होता है, यानी जो मेन डायगोनल के आर पार होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइड, अगर ये +1 है ये -1, अगर ये +2 है ये -2, -4 +4, यही होता है AIJ इक्वल टू -AJI, सच ए मैट्रिक्स इज नोन एज सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने आपको कहा था कि जो सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसका हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, वो मैं प्रूव करूंगा, क्या है वो मैं यहां लिखूंगा, यही या मैं प्रूफ दूंगा फिर यहां से प्रूफ, ईच डायगोनल एलिमेंट, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ ए सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, डायगोनल एलिमेंट का ये सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स का हर एक डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, मैं यही प्रूव करूंगा, ये लिखो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी ए सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे क्या होता है -AJI के बराबर बाय डेफिनेशन, हमें क्या प्रूव करना है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, नाउ फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के लिए होता है i इज इक्वल टू j, अगर i j के बराबर आएगा इसका मतलब क्या है, AII इज इक्वल टू -AII फॉर ऑल
I running from 1, 2, so on up to n. And a11 is equal to minus a11, a22 is equal to minus a22, so on up to ann is equal to minus an. इसको यहां लाओ, ये बनेगा ए आई आई प्लस ए आई आई, टू ए आई आई इक्वल टू जीरो. टू इज नॉट इक्वल टू जीरो. व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? दिस एम्प्लॉयज ए आई आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई. इसका मतलब क्या है? ए आई इसका मतलब है a11 भी जीरो है, a22 भी जीरो है, a33 भी जीरो है, सो ऑन अप टू ann भी जीरो है. और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? a11, a22, a33, वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. सो ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो. सिंपल, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर. अब मैं हम कर रहे हैं किसकी बात? डायगोनल एलिमेंट के लिए. डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है? आई जे के बराबर होता है. जब आई जे के बराबर आएगा, ये आएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई. को यहां ट्रांसपोज करो तो ये बनेगा 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0. 2 इज नॉट इक्वल टू 0. व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? ए आई आई इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0. क्लियर? अब इसमें कुछ रिजल्ट है, थ्योरम्स, या मैं थ्योरम कहूंगा. थ्योरम इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन नंबर वन, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगी, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड नंबर टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, आप इसका प्रूफ, द प्रूफ इज वेरी सिंपल. देखो, अगर आपको किसी मैट्रिक्स को प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज ले लो. अगर वो दोबारा उसी के बराबर आएगा तो वो सिमेट्रिक है. जैसे अगर कोई मैट्रिक्स पी है, आपको उसको प्रूव करना है सिमेट्रिक है, तो आप क्या करोगे? पी ट्रांसपोज करोगे. अगर पी ट्रांसपोज पी के बराबर आएगा तो वो सिमेट्रिक है. इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स को आपको प्रूव करना है सिक्यू सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज करो और वो इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए. जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, आपको प्रूव करना है सिक्यू सिमेट्रिक है, आप उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो माइनस ए के बराबर आएगा तो वो सिक्यू सिमेट्रिक है. इसी तरह पहला जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज, हमें ये प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे. Here, solution of first A plus A transpose का whole transpose, ये consider करो. ये किसके बराबर आएगा? A transpose plus A transpose का transpose. Why? इसमें ये use हम करेंगे क्योंकि अगर आपके पास दो matrix है P plus Q का whole transpose, वो किसके बराबर होता है? P transpose plus Q transpose. ये पहले भी हमने किया है. A transpose plus ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये किसके बराबर आएगा? ए ट्रांसपोज. और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए के बराबर, बिकॉज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है. अब ये मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? ए प्लस ए ट्रांसपोज वाई, बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव. यानी अगर आपके पास है पी प्लस क्यू मैट्रिक्स, वो किसके बराबर होता है? क्यू प्लस पी. तो आप देखो क्या आया, therefore you get a plus a transpose का transpose दोबारा a plus a transpose के बराबर आ गया. यानी transpose से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर ऐसा होता है then it is said to be symmetric matrix. therefore a plus a transpose is a symmetric matrix, is a symmetric matrix. very simple. a plus a transpose लिया,
का होल ट्रांसपोज, क्योंकि अगर आपको कोई मैट्रिक्स प्रूव करनी है ये सिमेट्रिक है तो उसका होल ट्रांसपोज करो, वो किसके बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आ गया ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए और ये इसी के बराबर है, सो इट इज सिमेट्रिक। सिमिलरली नाउ सेकंड प्रूफ ऑफ सेकंड, उसके लिए मैं क्या लूंगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वाई, बिकॉज पी माइनस क्यू का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये क्या बनेगा, इसमें एक से भी आएगा माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको माइनस लो कॉमन, जब माइनस लेंगे कॉमन ये क्या ए प्लस ए ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लिया, यानी क्या आ गया आपको ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज माइनस ए, ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस लिया कॉमन, ये आ गया, देयरफॉर क्या आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जो इसका ट्रांसपोज आ गया वो इसके नेगेटिव के बराबर आ गया, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक, सो दिस इज इट फॉर टू रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो पहला रिजल्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिक्योर सिमेट्रिक। नाउ एन इंपॉर्टेंट थ्योरम जिस पर आपको ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके दो हिस्से हम कर सकते हैं, ऐसे दो हिस्से जिसमें एक हिस्सा सिमेट्रिक होगा और एक हिस्सा सिक्योर सिमेट्रिक होगा। द स्टेटमेंट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन आता है, कभी चार मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी दो का, ज्यादातर वही आता है। थ्योरम प्रूव करने ये इसके मिनिमम चांसेस होते हैं, फिर भी मैं यहां आपको बताऊंगा प्रूफ। आप मानो कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर। अब यहां देखो मैं ये लिखूंगा जो 2a है, 2a मैं लिखूंगा a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज, क्या ये बराबर है, प्लस a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज कैंसिल, a प्लस a आ गया 2a, इसलिए 2a ए इज इक्वल टू दिस a प्लस a ट्रांसपोज प्लस a माइनस a ट्रांसपोज, ये अलग में रखूंगा, ये अलग में रखूंगा, इज दिस क्लियर, a ट्रांसपोज कैंसिल, वही हो गया a प्लस a 2a, ये मैंने लिखा। Therefore, ए किसके बराबर आएगा, डिवाइडिंग बाई टू, यह आएगा वन हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दो हिस्से होंगे, डिवाइड बाई टू करेंगे, इसको अलग लिया डिवाइड बाई टू, इसको अलग लिया। और अब आप अभी हमने किया ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक, तो कांस्टेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए वन ऑफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा सिमेट्रिक। अभी हमने प्रूव किया अबाउट ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिक्योर सिमेट्रिक, तो वन ऑफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा वो भी सिक्योर सिमेट्रिक होगा, सो दिस कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिसेस,
ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन ऑफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन विच दिस वन ऑफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड वन ऑफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिक्योर सिमेट्रिक, तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करने से ये फिर सिमेट्रिक रहेगा और ये क्या रहेगा सिक्योर सिमेट्रिक, हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर, थैंक यू।